लास्ट वीडियो लास्ट व्लॉग इसी जगह पे इसी ड्रेस में इसी बैग के साथ यहीं पे रात को एंड किया था। नेक्स्ट व्लॉग भी सेम सिचुएशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ और ये प्लान कब बना, ये आप थोड़ी सी पीछे की वीडियो देखिए। तब तक मैं पहुँचता हूँ एयरपोर्ट। तारीख है आज 12 मार्च और सुबह के 4:30 हो रखे हैं। आज 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई और फिर नींद आ नहीं रही थी, तो मैं पूछा कि समागम भी है अभी 19-21 मार्च का, गरीबदास जी मार्च के बौद्ध दिवस का, तो मैंने सोचा उसका प्लान बना लेता हूँ, कैसे जाऊँगा, कब जाऊँगा, छुट्टी कितने दिन की चाहिए, सारा प्लान मैं इंदौर का बना रहा था। बिल्कुल एंड पॉइंट मैंने देखा कि एक बार चलो दिल्ली तक की फ़्लाइट भी देख लेते हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में तो फ़्लाइट थोड़ी सी बजट से बाहर हो जाती है, तो मैंने देखा कि राउंड ट्रिप देख लेता हूँ आने जाने के साथ में। तो मैंने देखा कि बहुत ही बजटरी प्लान बन जाएगा अगर मैं दिल्ली हरियाणा जाऊँगा तो, क्या पता कल मॉर्निंग तक ये फ़्लाइट महंगी हो जाए। तो मैंने तो 15 मिनट के अंदर ही प्लान बना के और फ़्लाइट बुक कर दी। ऐसे बना था मेरा प्लान हरियाणा जाने का, रात को मैं दिल्ली मुंडकाश्रम रुकूंगा, परसों जाऊंगा मैं धनाना, और घर पर किसी को कोई भनक नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। मेरे को भयंकर नींद आ रही है, अगर मैंने एक झपकी लेने की कोशिश की तो आँख खुलेंगे सुबह 5 बजे, तो झपकी को अवॉइड करके अब बिल्कुल चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है, थोड़ी फ्लाइट में नींद पूरी करेंगे। दिल्ली तक का रहा काफ़ी सुहाना सफ़र, हल्की फुल्की कच्ची पक्की नींद भी पूरी होगी। पूना में तो ना बुरी हालत हो रही थी नींद, कभी बोलने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा। सौ कदम की दूरी पर हूँ तो एग्जैक्ट 3 बजे मैं आश्रम पहुँच जाऊँगा। गुरुजी की दया से प्लान इतने अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया ना, सोचा नहीं था। आज है 19 मार्च और आज 9 बजे ही शुरू होगा पाठ, और ये पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में, जिन्होंने अमर ग्रंथ लिखा था और उसी अमर ग्रंथ का 3 दिन पाठ चलेगा। और मैंने लास्ट वीडियो में मिस्टेक कर दी थी कि अमर ग्रंथ 72 घंटे कंटिन्यू चलता है, लेकिन अमर ग्रंथ कंटिन्यू चलता है 48 घंटे के लिए। अभी हम आए हैं मुंडकाश्रम की सबसे आकर्षक जगह प्रदर्शनी स्थल, और प्रदर्शनी स्थल में पूरा विस्तार से बताया गया गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब कैसे मिले थे, उनको क्या ज्ञान समझाया। गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब छुटाने गांव के खेतों में मिले थे, जहां पर वो अन्य पालियों के साथ गायें चरा रहे थे। फिर सभी ने कबीर साहब जी से खाना खाने का आग्रह किया, तो कबीर साहब जी ने खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। फिर कबीर साहब जी के आशीर्वाद से ही एक कंवारी बच्चा ने दूध दिया, जिसको कबीर साहब जी ने पिया। अन्य सभी पालियों ने वो दूध पीने से मना कर दिया, सिर्फ गरीबदास जी महाराज ने वो बचा हुआ दूध पिया। उसके बाद कबीर साहब जी ने गरीबदास जी महाराज को ज्ञान समझाया, उनकी आत्मा को लेकर ऊपर सतलोक गए। रास्ते में धर्मराज का लोक दिखाया, जो सभी लोगों का सभी जीवों का लेखा जोखा करता है। पीछे से लोगों ने गरीबदास जी महाराज को मृत जानकर उनको चितार पर रख दिया था, तो कबीर साहब जी ने उनकी आत्मा को वापस उनके शरीर में भेज दिया और गरीबदास जी महाराज आंखों देखी सारी बातों को वाणियों के माध्यम से बोलने लगे, जिसको बाद में दादूपंथी गोपाल दास जी महाराज ने लगातार 6 महीने तक लिखा, जो आज हमारे पास अमर ग्रंथ के रूप में विद्यमान है। आपको वेदों से प्रमाणित करेंगे कि कबीर साहब ने जो कंवारी गाय का दूध दिया था वो अपने ऋग्वेद में मेंशन है। ये ऋग्वेद है, मंडल नंबर 9 और 10 है। इसमें जो परमात्मा है वो 3 तरीके से अपने भक्तों का संसार का दान पोषण करता है। उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और उग्र गतियाँ मतलब संसार में जो बुराइयाँ बढ़ जाती हैं वो प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, यानी हल्के तेज पुंज के शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। यानी वो परमात्मा 3 तरीके से सारे संसार का दान पोषण करता है। उसमें से जब वो एक रूप में आता है तो उस समय उसका जो दान पोषण होता है वो कंवारी गायों से होता है, ये अपने वेद प्रमाणित करते हैं। और ये बात और ये लीला सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने की थी, ना राम ने की, ना कृष्ण ने की,
और ना किसी अन्य देवता ने की। मुंडे का आश्रम का था इतना ही सफर। अभी मैं सफर पे निकल चुका हूँ अपने घर के लिए और आज रात को घर रुकेंगे, कल फिर सफर करेंगे अपना धनान आश्रम का। इस दिल्ली के मौसम का क्या करें, हर 10 मिनट में ठंड लग रही है, हर 10 मिनट बाद ऐसे पसीने आ रहे हैं। सबको बता दिया है कि मैं रोहतक पहुंच चुका हूं, पापा से मिलके, किसी से वीडियो कॉल करके। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में पहुंच गया हूं, मैं वीडियो कॉल कर लो। वीडियो कॉल पे तसल्ली हुई है कि भाई मैं रोहतक आ लिया। फिर सब पूछ रहे हैं कब आया, कैसे आया। रुको जरा, सब्र करो। तो ऐसे ही कुछ हुआ था आज से 300 साल पहले। कबीर साहब जी गरीबदास जी महाराज को खेतों में मिले थे, तो वही सारा सीन रिक्रिएट कर रखा है इस प्रदर्शनी में। एक तरीके से टाइम ट्रैवल करके पीछे चले जाते हो जब आप इसको देखते हो ना, इस सीन को देखते हो। ये है आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो हर आश्रम में लगी हुई है। अच्छा, हम गलत द्वार पे जा रहे हैं, एंट्री गेट इधर है, ये वाला। समागम संपूर्ण हो चुका है, सेवादार भगत घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, हम भी कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। फिलहाल मेरे को मिली है जूनियर उत्तम को संभालने की जिम्मेदारी, जो कि मैं बखूबी निभा रहा हूँ। मेरे को कुछ करना नहीं पड़ रहा, ये खुद ही खुश है इतने लोगों में आवे। A few hours later, सत्संग से धनाना से आगे थे, आधा एक घंटा रुकूंगा घर पे और अब जाऊंगा मैं मुंडका। मुंडका से 2 बजे निकलूंगा फिर अपने एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट से। तो ये प्लान है, मैं इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, इस प्लान को नींद में मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, जो मिल रहा हूँ ना उसने अपना प्लान बता दूँ। अगर हाँ, मैं 2 बजे उठूँगा, 3 बजे कैब में बैठ लूँगा, 4 बजे एयरपोर्ट है और 5 बजे अपनी फ्लाइट, 7 बजे पुणे, 9 बजे ड्यूटी। ये प्लान है, मैं कई बार रिपीट करूँगा ऐसे ना, ताकि मेरे याद रहे। अब तक जितने भी तुक्के मारे थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहे हैं। अभी 11:05 हुई हैं, 11:10 तक मैं पहुँच जाऊँगा मुंडका आश्रम और जाके सिर्फ बेफिक्र होके सोना है 4 घंटे। और 4 घंटे ये, 2 घंटे सफ़र में नींद आ जाए तो बढ़िया है, तो 6 घंटे मैं कवर कर लूँगा खींच खाँच के। नींद पूरी करनी है। फाइनली फ्लाइट ने 7 बजे से पहले पहुँचा दिया मुझे पुणे। अब 1 घंटे में अपने घर, फिर आधे घंटे में रेडी। जो पूरा प्लान था उसमें बस लास्ट के कुछ स्टेप्स रहते हैं, फिर प्लान कंप्लीट। और ऐसी हो गई है मेरी स्कूटी की हालत।